साथियों, भगवान परशुराम की आज जयंती है, उसके उसमें आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ। आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना वायरस के विरुद्ध पूरे दुनिया में जंग लड़ी जा रही है, लेकिन हमारे देश के अंदर इस मीडिया के अंदर बैठे हुए कुछ वायरस ने किस प्रकार का माहौल बना दिया। आज आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ और अपनी बात को मैं समझता हूँ सबको कहने का हक भी है। जो आदमी ताली बजा बजा कर चिल्ला करके नफरत घोल रहा था पालघर की हिंसा में, पालघर की हिंसा पर अब वो खामोश क्यों है? एक विशेष पार्टी से जुड़े हुए लोग उन संतों के हत्यारे निकले, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। क्या केवल एक सरकार जो आपकी मर्जी के बिना चल रही है उसको हटाने के लिए आप इतना घृणित कृत्य भी करा सकते हो? ये सोचकर भी मन कांपने का काम करता है। उत्तर प्रदेश में कल 5 ब्राह्मण कि पूरे परिवार के साथ हत्या हुई, कोई डिबेट नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। मुख्यमंत्री जी के गृह नगर में गोरखपुर में पुलिस की पिटाई से पुजारी की हत्या, मृत्यु हो गई, कोई चर्चा नहीं है। चर्चा इस बात पर होगी कि कितने जमाती निकले और कितने गैर जमाती निकले। सरकार इस बात पर ध्यान देगी कि अजान ना दी जाए मस्जिद से। गाजीपुर के डीएम ने योगी जी को देखना चाहिए, योगी साहब आप हमारे मुख्यमंत्री हैं और बहैसियत मुख्यमंत्री आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप सबके अधिकारों की, चाहे वो किसी भी जाति के किसी भी धर्म के लोग हैं, उनके अधिकारों के जो उनको संविधान ने दिए, उनके मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा करने का काम करेंगे। गाजीपुर का डीएम आपका पूरे जिले के अंदर अजान बंद करा दी, रमजान के अंदर अजान, और कोई आदेश दिखाने को तैयार नहीं है। कल हमारी पार्टी की मीटिंग और थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और पूरे उत्तर प्रदेश के कई जनपदों के लोगों की यह शिकायत हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी के सामने रखी भी गई। कुछ जगहों पर नेताओं ने बात करी है तो वहां खुला भी है। अगर सरकार की मंशा होती तो मैं समझता हूं कि शायद सब जगह होती। मैं तो खराबी में भी अच्छाई ढूंढने वाला आदमी हूं, हो सकता है योगी साहब की जानकारी में ना हो, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि अगर इस प्रकार का काम हो रहा है तो इसे देखें। और ये जो मीडिया में जमात जमात का खेल चल रहा था, अब जब जमाती लोग ठीक होकर के जा रहे हैं और इस कोरोना के अंदर जो ठीक हो जाएगा उसके खून से बने हुए प्लाज्मा से अगले रोगियों का इलाज होगा, और जमात के तमाम लोग स्वेच्छा के साथ अब खून देने का काम कर रहे हैं। रजत शर्मा जी ने ट्वीट किया है, मैं बधाई देता हूँ रजत शर्मा जी को, ये कम से कम उद्धव ठाकरे जी की वजह से ही आपने सच्चाई थोड़ी सी दिखाने का काम किया, इसे टीवी पर भी दिखाइए। सकारात्मक बातें समाज के अंदर दिखाई जानी चाहिए, नकारात्मकता की जो भावना पैदा हुई है उसको दूर करने के लिए। तबलीग जमात को फोकस कर करके सारा जो इसको कोरोना को एक धर्म विशेष के साथ जोड़ा गया था, अब उसके नतीजे आने शुरू हो गए। इंदौर आपके सामने, अहमदाबाद आपके सामने, अहमदाबाद के अंदर जैसे जैसे कोरोना बढ़ रहा है वैसे वैसे टेस्टिंग कम कर दी, और टेस्टिंग नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा? गुजरात मॉडल जिसकी पूरे देश में चर्चा होती थी, सूरत अहमदाबाद की स्थिति भयावह है, भयावह स्थिति। अहमदाबाद के तो कमिश्नर ने बयान दिया कि हमारे यहां 8 लाख पेशेंट हो जाएंगे,
8 लाख सुनकर भी डर लगता है, सुनकर भी डर लगता है। अल्लाह ईश्वर वाहेगुरु जीसस रहम करे, रहम करे सबके ऊपर। बंबई की स्थिति भी बहुत खराब है, लेकिन मुंबई में टेस्ट बहुत हो रहे हैं, मुंबई में टेस्ट बहुत हो रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी ने टेस्ट भी फ्री कर दिए और इलाज भी फ्री कर दिया। गुजरात के अंदर टेस्ट ही बंद कर दिया आपने। आप आपकी रिपोर्ट नेगेटिव ना चले जाए, आप लोगों की जान के साथ खेल जाएंगे क्या? आपकी रिपोर्ट अगर नेगेटिव चली जाए, उसको दबाने के लिए आप लोगों की जान के साथ खेलेंगे? बहुत दुखद है, बेइंतहा दुखद है। इसलिए कहना चाहते हैं कि ये जो कुछ चल रहा है देश के अंदर इस वक्त, सबको एकजुटता के साथ इस बीमारी से, इस महामारी के साथ लड़ने की जरूरत है। सोशल मीडिया के ऊपर गंदगी की अंबार लगा हुआ है, गाली गलौज बदतमीजी। अभी मेरे एक मित्र ने मुझे, मैंने एक बरखा दत्त जी का मीम था उसको शेयर कर दिया, उस पर हमारे एक मित्र हैं शर्मा जी, उन्होंने लिखा कि रमज़ान में क्या कर रहे हो। मैंने तो उनके मीम को शेयर किया, मान्यवर शर्मा जी आप भी ज़रा सा सोचिए कि भगवान परशुराम की जयंती के ऊपर 5 निरीह ब्राह्मणों की हत्या हुई है, उसके ऊपर कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कोई कुछ नहीं कह रहा है। इससे पहले शामली में इसी प्रकार से पूरे परिवार की हत्या हुई थी, झांसी में हुआ था, मुंशहार के अंदर हुआ था। शोचनीय प्रश्न तो होना चाहिए, हत्या किसी की भी हो, हर हत्या का हम विरोध करते हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 100 हत्याएं हो गई हैं, और जिस तरह से आज भी हमें सुबह हमारी बात हो रही थी, हमारे यहां से मजदूर पैदल जा रहा है, छुप छुप कर शाम को निकलता है। कल रास्ते में मेरे दोस्त ने जब देखे तो गाड़ी लेकर के यहां से खाना लेकर के गए, तो रोना आ गया। 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, छुप जाते हैं पुलिस को देख करके जंगलों में, फिर पैदल चलने लगते हैं, पैदल चले जा रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के ही तो लोग हैं ये। आपने कोटा से बच्चे बुलाए, बहुत अच्छा किया, लेकिन इन मजदूरों का भी तो ख्याल करिए, ये भी तो हमारे ही हैं, ये गरीब भी तो हमारे ही हैं। बहरहाल मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि आज देश में सबको एकजुटता के साथ चलने की जरूरत है। और जिस राहुल गांधी जी का आप मजाक उड़ा रहे थे, जो राहुल गांधी ने बात कही थी वो 100% सत्य साबित होती जा रही है। देश के अंदर आर्थिक सुनामी आ गई है, और भक्तजनों आपसे भी कहना चाहता हूं, अंध भक्ति ले डूबेगी, आंखें खोलिए, आपके जगाने से शायद जाग जाएं, क्योंकि जब डूबेंगे तो सब डूबेंगे, हम भी डूबेंगे, आप भी डूबेंगे, ऐसा नहीं कि आप बच जाएंगे, डूबेंगे आप भी, क्योंकि देश में आर्थिक सुनामी आ चुकी है। अब ताली थाली बहुत बज गई, अब जरा सा कुछ जगाने का काम कीजिए, ऐसी घंटी बजाइए कि जाग जाएं, क्योंकि अब स्थिति दोनों तरफ से, इधर से महामारी भी विकट रूप इख्तियार करती जा रही है, और उधर से देश के अंदर आर्थिक स्थिति भी दिन ब दिन खराब होती जा रही है। हमारी नेता माननीय सोनिया जी ने, आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने सार्थक सुझाव दिए हैं। हमारा काम विपक्ष में है तो हम विपक्ष में रह करके सिर्फ नारेबाजी करने तक सीमित नहीं रहना चाहते, सार्थक सुझाव हमारी नेता ने दिए हैं। हमारी सब की तरफ से आपसे अपील करते हैं, प्रधानमंत्री जी से भी, कि कृपया करके उनके ऊपर गौर करें और निश्चित रूप से
उनके नतीजे दूरगामी होंगे और देश के अंदर जो आने वाले दिनों में हालात बनने जा रहे हैं जो बहुत अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। डिमांड और सप्लाई के अंदर इतना बड़ा गैप आ गया है कि हालात अच्छे दिखाई दे ही नहीं रहे। राहुल जी को बहुत पहले दिखाई दे रहे थे, अब आम आदमी को भी दिखाई देने लगे। अल्लाह से दुआ करता हूँ, ईश्वर से दुआ कर प्रार्थना करता हूँ कि आपको भी शायद कुछ दिन के बाद दिखाई देने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं साथियों सब लोगों का फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और कोरोना की इस लड़ाई के अंदर सबसे गुजारिश करता हूँ अपने घरों में रहें और ख़ास तौर से जो मेरे मुस्लिम भाई हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि कोई कोशिश ऐसी ना करें कि आप मस्जिदों में जा करके इकट्ठा होकर के ये तो मैंने बोल तो दिया है, हाँ ये बोल दिया, गाजीपुर के डीएम ने लगाई है। गाजीपुर के डीएम को, मुख्यमंत्री जी को गाजीपुर के डीएम की बात का संज्ञान लेना चाहिए। और मैं गाजीपुर के लोगों से भी कहता हूँ कि अगर कोई आदेश नहीं है तो आप ही क्यों मान रहे हैं, और मस्जिद में मत जाइए। मस्जिद के अंदर जाने के ऊपर आपकी पाबंदी भी है और तमाम जगहों से पाबंदी है, मस्जिद पर नहीं जाइए, लेकिन अजान के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है और कहीं नहीं है। तो मैं सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ और ये भी गुजारिश करूँगा कि तरावी के लिए कोई अहतमाम करने की, अब तो शुरू हो गया काम, लोगों ने अपने घरों में पढ़ना शुरू कर दी, लेकिन फिर भी कोई भी आदमी इस तरह का कोई काम ना करे जिससे आपको भी दिक्कत हो, समाज को भी दिक्कत हो। बहुत बहुत शुक्रिया।